हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे SFM CA फाइनल ग्रुप वन का पेपर हुआ है, और जो पेपर्स आए हैं ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में, बहुत खुशी की बात है कि दोनों ही पेपर हमारे बुक से कवर्ड हैं। और 100% कवरेज, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि आपको कुछ भी नहीं रेफर करना है, आपको सिर्फ बुक्स रेफर करना है, उसमें हमने सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो CA इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं, वो सारे हमने अपने बुक्स में इंकॉर्पोरेट किए हैं। तो अगेन वो बात प्रूव होता है इस अटेम्प्ट में भी, इतने सालों के बाद हर अटेम्प्ट में ये बात प्रूव हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली हमारे जो मटेरियल है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उसमें वो ताकत है। तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज अभी भी आपके पेपर्स चल रहे हैं। आई नो, आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें 100 out of 100 मार्क्स मिलेगा, और हमारे स्टूडेंट्स को पास्ट एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स SFM में मिले हैं, और 90, 95, 98, 99 हर एक मार्क्स के कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं विथ ऑल इंडिया रैंक वन। नॉट एक बार, हमेशा बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक वन लाए हैं। और जो हम फाइनेंस का नॉलेज देते हैं क्लास में, स्टॉक मार्केट का नॉलेज देते हैं, उससे बच्चे एग्जाम का पेपर और अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपियर कर पाते हैं। प्लस आफ्टर एग्जाम्स जब वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी क्लास की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनको बहुत काम आती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बट आज क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी आपका पेपर चल रहा है, सारे पेपर्स बहुत अच्छे से देना है। SFM आपको बहुत अच्छा स्कोर करके देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के SFM की वजह से ग्रुप क्लियर होता है, और दोनों ग्रुप वो क्लियर करते हैं, प्लस उनको रैंक्स भी आता है। तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, आगे का पेपर्स आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा। नहीं अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, SFM में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं इसकी मेरे को पूरी गारंटी है। और इसका पूरा वन-टू-वन एनालिसिस मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट कर रहा हूँ। मैं नीचे एक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, उसमें मैं आपको कुछ और एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और जो भी इससे रिलेटेड बातें होगी उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और डेफिनेटली आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो योर एक्सपीरियंस कि आपका पेपर कैसा रहा। डेफिनेटली मुझे ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, मैं अभी तक चेक नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी अभी क्लासेस चली रही है। तो बट सभी बच्चों ने, मैंने जो गो थ्रू किया है, सभी बच्चे कह रहे हैं 100% कवरेज, 100% सर हमने अटेम्प्ट किया है, और कुछ बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा सिक्योर किया है करें एग्जाम में, और वो कॉन्फिडेंट है कि वो एग्जाम के बाद जब उनका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे। तो इस बार मैं ये आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे, जैसे हर एक अटेम्प्ट में लेकर आते हैं। और 100 out of 100 मार्क्स का मैं उम्मीद रख रहा हूँ। हालांकि कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस थे जो कंपलसरी मैंडेटरी थे, मुझे जहां तक लगता है कि उस क्वेश्चंस में हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स ने 100% जरूर किया होगा, लेकिन थ्योरी में नॉर्मली 100% मार्क्स नहीं मिलता है। बट चलो कोई नहीं, 98, 99 जो भी आएगा हमारे स्टूडेंट्स का हाईएस्ट आएगा, इसकी तो मैं गारंटी आपको दे ही सकता हूँ। प्लस अगर आप रैंक लेके आएंगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो SFM में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, प्लस ओवरऑल आप रैंक लेकर आए, अच्छा सिक्योर करें, एक बार में एक अटेम्प्ट में क्लियर करें, इसी अटेम्प्ट में क्लियर करें, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपको अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आगे के पेपर भी आपके अच्छे जाएंगे अगर SFM इतना अच्छा गया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, एंड जहां मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। और आगे के जो बच्चे हैं, जो मई 19 के स्टूडेंट्स हैं या जो नवंबर 19 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अब भी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हमने मई 19 के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, और हमारा एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, कुछ भी चीज़ें अगर हमारे तरफ से नहीं आती है तो हम डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं ऑफ करता हूँ। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन, वन-टू-वन क्वेश्चन, फिगर टू फिगर, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन का मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लस
क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक है, आप डेफिनेटली उसमें जाइए और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी आज ही पेपर हुआ है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी क्लासेस में थोड़ा बिजी हूं। बट खुशी की बात है कि इस बार हमारे स्टूडेंट्स अगेन ऑल इंडिया टॉप पोजीशन लेकर आएंगे एसएफएम एग्जाम में। और एक पेपर हमारा और आने वाला है, इलेक्टिव पेपर कैपिटल मार्केट, उस पर भी मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, उसके ऊपर भी मैं एनालिसिस आपको बनाकर दूंगा। अभी का एनालिसिस एसएफएम के ऊपर है, और कैपिटल मार्केट अगर आपने इलेक्टिव पेपर चूज किया है उसके ऊपर आपको कुछ नोट्स चाहिए इस एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप मुझे रिक्वेस्ट करें, तो मैं उसके ऊपर जो मेरे पास नोट्स हैं कैपिटल मार्केट के एग्जाम ओरिएंटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, और प्लीज अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आगे के क्लासेस, आगे के एग्जाम्स और बेहतर दीजिए। मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ऑफ करता हूं, थैंक यू सो मच। बैच ये शुरू हुआ था तो डेफिनेटली सो मेनी गुड न्यूज वेयर देयर, हमारे बच्चों का 100 में 100 आया, हमारे बच्चों का रैंक आया, रैंक 1 आया, रैंक 3 आया, रैंक 20 आया, तो उस पॉजिटिविटी से हमारी क्लास शुरू हुई। क्लास का यही मकसद था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, पूरे चीजों को कवर करवाना है और एक भी चीज मिस नहीं करना है। आई थिंक वो मौका आपने हमें दिया है हर चीज को पढ़ाने का, हर चीज को समझाने का, हर चीज को प्रैक्टिकली लिंक करने का, चाहे वो डेरिवेटिव क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कॉल बायर बनना क्यों ना हो, चाहे वो इलाहाबाद बैंक का कॉल बायर पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो विप्रो का फुट बायर पोजीशन क्यों ना हो, हमने हर चीज को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली लिंक किया है। साथ साथ हमने आपको मोटिवेट किया है कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और एटलीस्ट 500 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। आई थिंक इतना भी अगर हमारा सीए का बच्चा कर लेता है तो आप सही मानिए मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये बैच मेरे लिए एक मेमोरेबल बैच रहेगा। इस बैच में आपने मुझे पूरा मौका दिया है डिटेल में पढ़ाने का, प्रैक्टिकली पढ़ाने का और हर चीज को लिखवाने का। हर चीज हिंदी में मैंने लिखवाया है, हर चीज का कॉन्सेप्ट बना के करवाया है, हर क्वेश्चन होमवर्क के मैंने आपको क्लास में करवाया है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया आप लोगों को, अननेसेसरी जो बर्डन लोगों को अदर क्लासेस में मिलते हैं वो बर्डन हमारी क्लास में नहीं थी। एक रिलैक्सिंग वे में हमने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया और कॉन्सेप्ट को समझा। मैं इस बैच में उम्मीद रख रहा हूँ कि सारे बच्चे रैंक होल्डर बने और सारे बच्चे 100 में 100 लेकर आए। फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूं, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य देन सर। आपको कोशिश करते रहना है जिंदगी में, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बाद आप सक्सेस आपको मिलेगा।
आपको पहली ही ट्राई में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडलवाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों के भी जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे उन सबको भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग आपको रहना है, फॉरवर्ड एवर बैकवर्ड नेवर। लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ ना आए, हमेशा आपको एक सुनहरा मौका मिले, जिंदगी में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक्चुअल में एंड ऑफ द डे में आपकी मुस्कुराहट ही आपको आगे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी।